हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप सब अच्छे होंगे सो वेलकम टू हाई स्टडी माय नेम इज निधि एंड आई माइनेम जी के एजुकेटर तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं या नहीं मेरी जो पॉलिटी से रिलेटेड है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है डेट से रिलेटेड है सो so, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे पहले आप ये वाली वीडियो देखिएगा और उसके बाद अगर आपकी रिमेनिंग रह गई है वो सब वीडियोस तो उसको भी देखिएगा ये सारी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं तो आप लोग प्लीज देखिएगा और फोकस करिएगा इन वीडियोस पे और अपने नोट्स जरूर बनाइएगा तो आज का हमारा टॉपिक है मैं आ, बेसिकली टॉप एमसीक्यूज लेके आई हूँ क्योंकि ये टॉपिक जो है एमसीक्यूज के माध्यम से अच्छे से आप लोग लर्न कर पाएंगे ठीक है तो आज का टॉपिक है मेरा मोदी कैबिनेट 2024 आप लोगों को पता होगा कि अभी हम अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बने हैं वो कौन है वो नरेंद्र मोदी जी हैं तो उनकी कैबिनेट डिसाइड हुई थी तो कैबिनेट में कौन सा पद किसको मिला है तो चलिए जानते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसे रक्षा मंत्रालय दिया गया है तो ऑप्शन देख लेते हैं अमित शाह राजनाथ सिंह मनसुख मंदाविया या नन ऑफ दीस सो so इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है राजनाथ सिंह किसे रक्षा मंत्रालय दिया गया है राजनाथ सिंह जी को चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर विल बी ऑप्शन बी राजनाथ सिंह अच्छा इनकी कॉन्स्टिटेंसी की बात करें तो इनकी कॉन्स्टिटुएंसी क्या है लखनऊ उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिटुएंसी है ठीक है लखनऊ कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में है

ऑप्शन नंबर सी अमित शाह ठीक है अगर इनकी कॉन्स्टिट्युएसी की बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्युए क्या है गांधीनगर गुजरात है क्या है गांधीनगर गुजरात पिक्चर ऑफ अमित शाह नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन हुज बीन अपॉइंटेड दैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है Minister, Minister of health and family welfare. ठीक है तो ऑप्शंस देख लेते हैं जेपी नड्डा एम वेंकैया नायडू ज्योतिरादित्य सिंधिया या नन ऑफ दीज सो ये हेल्थ मिनिस्ट्री किससे दी गई है तो ये है जेपी नड्डा जी कौन है जेपी नड्डा जी तो चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए जे पी नड्डा जी अगर इनकी कॉन्स्टिटुएंसी की बात की जाए तो इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है इनकी कॉन्स्टिटन्सी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ क्या है छत्तीसगढ़ है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ठीक है द पिक्चर ऑफ जे पी नड्डा जी नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन द रोड ट्रांसपोर्ट किसे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री किसे दी गई है ऑप्शन चिराग पासवान अमित शाह नितिन गडकरी या नन ऑफ दीज सो so इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है आंसर विल बी नितिन गडकरी जी ठीक है क्या है आंसर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री किसे दी गई है नितिन गडकरी जी को चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी ठीक है अगर इनकी कॉन्स्टिटन्सी की बात की जाए तो इनकी कॉन्स्टिटन्सी क्या है इनकी कॉन्स्टिटुएंसी है महाराष्ट्र नागपुर महाराष्ट्र ठीक है लोकसभा कॉन्स्टिटन्सी इनकी क्या है नागपुर महाराष्ट्र हियर इज द पिक्चर ऑफ नितिन गडकरी नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन हुज बीन अपॉइंटेड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री कैसे दी गई है कृषि मंत्रालय कैसे दिया गया है तो हे आर द ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान चिराग पासवान अमित शाह या नन ऑफ दीज सो so इसका आंसर क्या होगा आंसर विल बी शिवराज सिंह चौहान इन्हें कृषि मिनिस्ट्री दी गई है चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर विल बी ऑप्शन नंबर एक शिवराज सिंह चौहान अगर इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी की बात की जाए तो इनकी कॉन्स्टिट्युए क्या है इनकी कॉन्स्टिटुएंसी है विदिशा एमपी। क्या है विदिशा एमपी? ये विदिशा एमपी किसकी कॉन्स्टिट्युएंसी थी पहले सुषमा स्वराज जी की थी बट नाव शिवराज सिंह चौहान विदिशा एमपी से लड़ते हैं ठीक है तो हे इज द पिक्चर ऑफ शिवराज सिंह चौहान फिस्टर ऑफ इंडिया किसे देश देश का जो वित्त मंत्रालय किसे दिया गया है चलिए ऑप्शन देख लेते हैं जो एल ओरम प्रहलाद जोशी निर्मला सीतारमन या नन ऑफ दीस तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है निर्मला सीतारमन प्रीवियस जो कैबिनेट बनी थी मोदी 2.0, उसमें भी निर्मला सीतारमन जी को फिनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी और अब भी इन्हें कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है ठीक है चलिए ऑप्शन चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमन अगर इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी की बात की जाए तो इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएसी लोकसभा तो नहीं राज्यसभा कॉन्स्टिट्युएसी से कंटेस्ट की थी तो राज्यसभा कॉन्स्टिट्युएंसी इनकी क्या है कर्नाटक कर्नाटका इज द पिक्चर ऑफ निर्मला सीतारमन नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन हु हैज बीन अपॉइंटेड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सटर्नलिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अश्विनी वैष्णव या नन ऑफ दीज तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है नन ऑफ दीज क्यूं है इसका आंसर तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर किसे बनाया गया है तो ये बनाया गया है, एस जय शंकर जी को किसे एस जयशंकर जी को ठीक है तो चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी अगर इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी की बात की जाए एस जयशंकर जी की तो इनकी कॉन्स्टिटुएंसी क्या है गुजरात राज्यसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है कहा की गुजरात की ठीक है इज द पिक्चर ऑफ एस जयशंकर ठीक है नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड लाइड हुन अपॉइंटेड दी इंडस्ट्रीज एंड स्टील मिनिस्टर हैवी इंडस्ट्री और स्टील मिनिस्टर किसे बनाया गया है तो ऑप्शन देख लेते हैं चलिए एस डी कुमार स्वामी पीयूष गोयल प्रहलाद जोशी या नन ऑफ दीस सो इसका आंसर क्या होगा हैवी हैवी आप लोग इससे भी याद रख सकते हैं एक ट्रिक भी है हैवी इनका नाम देखो कितना हैवी है एस डी कुमार स्वामी अगर इनकी फुल फॉर्म देख लेंगे तो तो बहुत हैवी नाम हो जाएगा तो हैवी इंडस्ट्री किसे बन किसे दी गई है एस डी कुमार स्वामी चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए

भूपेंद्र यादव पीयूष गोयल या नन ऑफ दीज सो so, इसका आंसर क्या होगा कॉमर्स मिनिस्ट्री किसे दी गई है तो ये है पीयूष गोयल कौन है पीयूष गोयल चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ठीक है अगर इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी की बात की जाए तो पीयूष गोयल जी की कॉन्स्टिट्युएसी क्या है मुंबई क्या है लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी मुंबई ठीक है पिक्चर ऑफ पीयूष गोयल जी चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अपॉइंटेड द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसे शिक्षा मंत्री बनाया गया है तो ऑप्शंस देख लेते हैं गजेंद्र सिंह धर्मेंद्र प्रधान राजीव रंजन सिंह या नन ऑफ दीस सो इसका आंसर क्या होगा आंसर विल बी धर्मेंद्र प्रधान कौन है धर्मेंद्र प्रधान चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान अगर इनकी कॉन्स्टिटुएंसी की बात की जाए तो ये कहा से करते हैं लोकसभा है संबलपुर उड़ीसा कहां से संबलपुर उड़ीसा से, संबल से धर्मेंद्र प्रधान जी ठीक है पिक्चर ऑफ धर्मेंद्र प्रधान जी नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड आई होप कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा वीडियो तो फोकस जरूर करिएगा ठीक है Who has been appointed the Ministry of MSME? MSME Micro, Small and Medium Enterprises Minister किसे बनाया गया है? तो options देख लेते हैं। प्रहलाद जोशी, जोएल ओरम, ज्योतिरादित्य सिंधिया या none of these? So इसका answer क्या होगा? इसका answer है answer will be none of these. क्यों है none of these? So ये MSME Minister कि MSME Ministry किसे दी गई है? तो ये हैं जीतम राम राम मांझी कौन है जीतम राम मांझी ठीक है इन्हें ये एमएसएमई मिनिस्टर बनाया गया है चलिए ऑप्शन आंसर देख लेते हैं ऑप्शंस कौन सा होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है अगर इनकी लोकसभा कॉन्स्टिचुएंसी की बात की जाए तो ये कहाँ के हैं गया बिहार इनकी लोकसभा कॉन्स्टिचुएंसी है पिक्चर ऑफ जीतन राम मांझी नाव आई एम मूविंग टू नेक्स्ट लाइन हुन अपॉइंटेड द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वॉटरवेज पोर्ट शिपिंग एंड शिपिंग एंड वॉटरवेज मिनिस्टर किसे बनाया गया है तो है ऑप्शन सर्वानंद सोनेवाल गजेंद्र सिंह अन्नपूर्णा देवी या नन ऑफ दीस सो so इसका आंसर क्या है इसका आंसर है सर्वानंद सोनेवाल क्या आंसर है सर्वानंद सोनेवाल चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए सर्वानंद सोनेवाल ठीक है अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो ये कहां से कॉन्टेस्ट करते हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी क्या है असम क्या है असम ठीक है हियर इज द पिक्चर ऑफ सर्वानंद सोनेवाल नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड हु हैज बीन अपॉइंटेड द पंचायती राज मिनिस्टर एनिमल हस्बैंडरी मिनिस्टर दोनों ही पद इन्हें दिए गए हैं ठीक है ऑप्शन कौन है पंचायती राज मिनिस्टर और एनिमल मिनिस्ट्री के से दी गई है चलिए ऑप्शन देख लेते हैं राजीव रंजन सिंह जोएल ओरम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह या नन ऑफ दीस सो so, इसका आंसर क्या होगा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए राजीव रंजन सिंह इन्हें क्या दिया गया पंचायती राज मिनिस्टर और एनिमल हजबेंड्री मिनिस्ट्री इन्हें दी गई है ठीक है चलिए इनकी लोकसभा की बात करें तो ये क्या है मुंगेर बिहार इनकी लोकसभा है पिक्चर ऑफ राजीव रंजन सिंह जी नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट लाइफ हुविएशन मिनिस्टर किसे सिविल एवियेशन मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है चलिए ऑप्शन देख लेते हैं अन्नपूर्णा देवी जोएल ओरम के राममोहन नायडू या नन ऑफ दीस तो इसका आंसर क्या होगा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसे दी गई है के राममोहन नायडू कौन है के राम मोहन नायडू चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर विल बी के राम मोहन नायडू अगर इनकी कॉन्स्टिटन्सी की बात की जाए तो इनकी कॉन्स्टिटन्सी क्या है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है आप नाम से ही ध्यान रख लीजिए कि ये साउथ के ही होंगे और साउथ के होंगे तो ये नाम याद रख लीजिए श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से ये लोकसभा कॉन्स्टिटुंसी इनकी है ठीक है द पिक्चर ऑफ श्री राम मोहन नायडू अगर इनकी बात करें डिटेल डिटेलिंग अगर इनकी जाने तो ये यंगेस्ट मिनिस्टर बने हैं कौन से यंगेस्ट मिनिस्टर बने हैं सबसे अगर हम बात करें तो यंगेस्ट मिनिस्टर इन्हें बनाया है सबसे जवान मिनिस्टर की अगर बात करें तो इन्हें बनाया है ठीक है नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन हु हैज बीन अपॉइंटेड रेलवे एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर तो ये पद किसे दिया गया है तो हे आर द ऑप्शन गिरिराज सिंह अश्विनी वैष्णव जोएल ओरम या नन ऑफ दीज तो इसका आंसर क्या होगा आंसर विल भी अश्विनी वैष्णव ये प्रीवियस मोदी गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट में भी इन्हें ये पद मिला था ठीक है तो चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर विल ऑप्शन नंबर बी, बी अश्विनी वैष्णव जी को रेलवे एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया है अगर इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी की बात करें तो इनकी कॉन्स्टिटन्सी क्या है राज्यसभा कॉन्स्टिट्युएंसी उड़ीसा से ये कॉन्टेस्ट किए थे ठीक है चलिए द पिक्चर ऑफ अश्विनी वैष्णव जी नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन देखिए ये 15 जो टॉप एमसीक्यूज जो टॉप पर्द वो उसके बारे में मैंने एमसीक्यूज के माध्यम से आपको बताया था जो रिमेनिंग रह गई है मिनिस्ट्रीज उनको चलिए लर्न करते हैं ठीक है मोदी कैबिनेट थ्री पॉइंट ओ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर किससे बनाया गया है ये बनाया गया है वीरेंद्र कुमार जी को किसे? वीरेंद्र कुमार जी को आप इससे ट्रिक से याद कर लीजिए एस टी यू वी ये एस के ही रो में आते हैं ना वी तो उससे एस के रो में आते हैं वी तो वी से वीरेंद्र कुमार अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसे ही लर्न करती हूँ तो मैंने आप लोगों को बता दिया आप अपने हिसाब से भी लर्न कर सकते हैं मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमें याद रहना चाहिए ठीक है और अगर जल शक्ति मिनिस्टर की बात करें तो ये कौन है सी आर पाटिल अब चलिए कॉन्स्टिटुएंसी की बात कर लेते हैं दोनों की तो अगर वीरेंद्र कुमार जी की कॉन्स्टिटेंसी की बात करें तो इनकी कॉन्स्टिचुएंसी क्या है लोकसभा कॉन्स्टिटुएंसी टीकम ग्रह एम पी क्या है टीकम ग्रह एम पी वीरेंद्र कुमार जी की और अगर सी आर पाटिल जी की कॉन्स्टिटेंसी की बात करें तो ये क्या है ये है नवसारी महाराष्ट्र ठीक है आर द पिक्चर ऑफ बोध मिनिस्टर्स नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर किसे बनाया गया है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान को बनाया गया है ठीक है और अगर ये मिनिस्ट्री प्रीवियस इनकी गवर्नमेंट की बात करें तो इनके फादर जो है रामविलास पासवान जी वो भी ये मिनिस्टर रह चुके हैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर ठीक है मोदी गवर्नमेंट में ही ये रह चुके हैं बट नाउ अनफोर्चुनेटली वो मर चुके हैं कोल एंड माइंस मिनिस्टर किसे बनाया गया है जी किशन रेड्डी जी को अगर दोनों की कॉन्स्टिट्युएंसी की बात करें तो चिराग पासवान की कॉन्स्टिटेंसी क्या है इनकी लोकसभा कॉन्स्टिटेंसी हाजीपुर बिहार और अगर इनकी बात करें कोल एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी की तो इनकी लोकसभा क्या है इनकी लोकसभा सिकंदराबाद तेलंगाना ठीक है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो ये किसे मिली है मनसुख मंताविया को किसे मनसुख मंताविया जी को ठीक है अगर हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की बात करें तो ये किसे दिया गया है ये पद ये डॉक्टर हर्षदीप पुरी जी को दिया गया है अब दोनों की कॉन्स्टिचुएंसी की बात कर लेते हैं तो मनसुख मंदाविया जी की कॉन्स्टिचुएंसी क्या है इनकी है पालीटाना क्या है पालीटाना कॉन्स्टिचुएंसी है इनकी और अगर हम हर्षदीप पुरी जी की बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है इनकी कॉन्स्टिटुएंसी अमृतसर क्या है अमृतसर of आर the ऑफ Now नाउ आई moving टू नेक्स्ट वन पार्लियामेंट अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किसे बनाया गया है ये बनाया गया है किरण रिजिजू जी को किसे किरण रिजिजू जी को अगर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर की बात करें तो ये किसे मिनिस्ट्री दी गई है ये दी गई है अन्नपूर्णा देवी जी को किसे अन्नपूर्णा देवी जी को अगर दोनों की कॉन्स्टिट्युएंसी की बात करें तो कॉन्स्टिट्युएंसी देख लेते हैं किरण रिजिजू की कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है ये अरुणाचल प्रदेश है और अगर अन्नपूर्णा देवी जी की बात करें इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है तो इनकी है झारखंड क्या है झारखंड एंड हियर आर द ज द पिक्चर ऑफ किरण रिजिजू जी ठीक है नाव आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सबसे पहले तो आपको क्या करना है हाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कमेंट करना है और बताना है कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और प्लीज़ बताइएगा फीडबैक जरूर दिया करिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी ये वीडियो पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे पता चलेगा कि क्या चीज़ आपको किस चीज मुझे किस चीज़ पर काम करना है आप लोग बताइएगा और अपना बताइएगा कि कौन कौन से एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसी हिसाब से मैं वीडियोस को भी बनाऊंगी और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट ला के दूंगी सो थैंक यू सो मच और सबसे पहले सबसे पहले लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हाई स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए वहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलता है और सारी सबसे पहले न्यूज जो भी आती है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वो उसी चैनल पे आती है सो थैंक यू सो मच हैव नाइस डे